तक हमने ना जाने कितनी सारी एप्लीकेशंस, कितने सारे ऑनलाइन ऑफलाइन टूल्स को, कितनी वेबसाइट्स को यूज़ किया होगा, बट आज के वीडियो में हम एक ऐसे टूल की बात करने वाले हैं जो हो सकता है आपकी प्रोफेशनल लाइफ एज वेल एज पर्सनल लाइफ की प्रोडक्टिविटी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगा। उस टूल का नाम है नोशन। आज के टाइम में ये टूल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है, स्पेशली अमंग द स्टूडेंट्स एज वेल एज द वर्किंग प्रोफेशनल्स। सो गाइज, आई होप यू आर एंजॉइंग द वीडियो। लेकिन इससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की इस डायनेमिक फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं या अपने करियर को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो अभी ज्वाइन करें WsCube Tech का ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्रैक्टिकल डिजिटल मार्केटिंग एडवांस्ड बैच। इन बैचेस में आप सीखेंगे प्रोफेशनल, प्रैक्टिकल एंड एडवांस डिजिटल मार्केटिंग विद अ वैलिड सर्टिफिकेशन जो कि ऑल ओवर इंडिया में वैलिड है। इन बैचेस में आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस विद इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। इसी के साथ साथ काफी सारे पेड टूल्स का एक्सेस भी, आपकी क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स, उसी के साथ डाउट सेशंस एंड मेनी मोर थिंग्स। तो अगर आप ये बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, जल्दी से फॉर्म फिल कीजिए और हमारी टीम आपसे बहुत ही जल्दी कनेक्ट करेगी। चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम इसी एक वीडियो में नोशन का ट्यूटोरियल देखेंगे कि कैसे आप इसे यूज कर सकते हैं एज वेल एज अपनी लाइफ को और भी ज्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम हरमीत और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नोशन की। तो नोशन एक ऐसी एप्लीकेशन, एक ऐसा टूल है जिसको आप यूज कर सकते हैं नोट टेकिंग के लिए, अपने टू डूज को मेंशन करने के लिए, कुछ लिखने के लिए, कुछ नोट डाउन करने के लिए, अपनी टीम के साथ कोलैबोरेट करने के लिए और टास्क मैनेजमेंट के लिए, और इसके अलावा भी कई सारी चीजों के लिए आप नोशन को यूज कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले नोशन पर चलते हैं और फिर उसके बाद में हम आगे की और बातें करेंगे। तो आपको आना है www.notion.so पर। इसी की ही एप्लीकेशन आपको अपने फोन में मिल जाएगी, उसको भी यूज कर सकते हैं आप। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं। अगर आपने लॉगिन नहीं किया, ऑलरेडी अकाउंट नहीं है, तो आप यहाँ पर अपना अकाउंट भी क्रिएट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से लॉगिन करने के बाद में आप देखोगे अभी यहाँ पर ये बिल्कुल एकदम टेम्पलेट की तरह आ रहा है। यहाँ पर कुछ भी मैंने अपना कॉन्टेंट यहाँ पर ऐड नहीं किया है। ओके, सो अभी हम यहाँ पर जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे जैसे ऐड अ पेज करके। ठीक है, अभी मैं बहुत ही बेसिक ट्यूटोरियल आपके लिए जो है क्रिएट कर रही हूँ, सो दैट आप इसको एक बार स्टार्ट करें यूज करना और उसके बाद में धीरे धीरे आप चीजें सीखते जाएंगे। अब जैसे मैंने पेज ऐड किया तो सबसे पहले मुझसे टाइटल मांग रहा है कि इस पेज को आप क्या टाइटल देना चाहते हो। अब चलो इमेजिन करो कि जैसे अभी मुझे खुद के लिए प्लानिंग करनी है। ठीक है, तो अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना 2023 का, मतलब जो भी मेरा काम होने वाला है, जो भी मेरा लर्निंग रहने वाला है, वीडियो जैसे इंडेक्सिंग हो गई वीडियो की, हमारी स्क्रिप्ट हो गई वीडियो की, देन कुछ की नोट्स हो गए उसके, तो ये सारी चीज़ों को मैं अलाइन करना चाहती हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने एक पेज क्रिएट किया जुलाई 2023 करके। तो मुझे पता रहेगा कि जुलाई में मेरा जितना काम रहेगा, आप चाहे ऑफिस का काम हो, पर्सनल काम हो, लर्निंग हो, वीडियो क्रिएशन हो, वो सारा मैं जुलाई इस एक बड़ी कैटेगरी में डाल रही हूँ। ठीक है, अब जुलाई के अंदर मुझे ऑब्वियसली बात है मेरा एक काम तो रहेगा नहीं, मेरे 50 काम रहेंगे। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पर अब क्या कर सकती हूँ, अब जुलाई के अंदर आई कैन क्रिएट सब पेजेस, इसके अंदर भी मैं नोट्स डाल सकती हूँ, बट मैं क्या कर रही हूँ, जुलाई 2023 मेरा एक पेज हो गया, एक वेबसाइट की तरह इसे देखिए, यूँ समझ लिया आप एक खुद की अपनी पर्सनल वेबसाइट बना रहे हो, बट इसको कभी भी एडिट कर सकते हो, आप कभी भी देख सकते हो, किसी भी डिवाइस से देख सकते हो। तो जुलाई 2023 मैंने यहाँ पर एक कह सकते हो बड़ी कैटेगरी बनाई, उस कैटेगरी के अंदर मैं कुछ सब कैटेगरीज बना रही हूँ। तो यहाँ पर जैसे आप कमांड भी दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर स्लैश करके पेजेस लिखूंगे तो पेज आ जाएगा, या फिर यहाँ पर आप ये ऐड वाला बटन क्लिक करोगे और यहाँ पर भी आप पेज कर सकते हो। तो अब ये क्या बोल रहा है, जुलाई के अंदर एक और नया पेज ऐड करने के लिए। तो मैं क्या कर रही हूँ, एक नया पेज ऐड कर रही हूँ, जैसे जुलाई के अंदर मैं एक पेज ऐड कर रही हूँ WsCube Tech, मतलब WsCube Tech के लिए जो मैं काम करूंगी जुलाई में वो एक तरफ है और जो मेरा पर्सनल काम होगा, ठीक है, वो एक तरफ हो जाएंगे। तो मैं वापस जुलाई में गई, एक पेज यहाँ पर ऑलरेडी ऐड हो गया है, मैं एक और पेज ऐड कर रही हूँ और मैं यहाँ पर इसको लिख लेती हूँ पर्सनल। ठीक है, अभी जैसे मेरे लिए दो कैटेगरी है, एक मेरा खुद का काम, एक मेरा WsCube Tech के लिए काम। तो WsCube Tech के अंदर मैं कुछ इसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर मैं कुछ और चाहो तो इंटरनल पेजेस बना सकते हो, या फिर यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली टेक्स्ट लिखना, नोट्स लिखना, टू डूज बनाना, वो चालू कर सकते हो। तो WsCube Tech के लिए जो भी मेरा काम है उसको भी मैं फर्दर पेजेस में डिवाइड कर रही हूँ, मतलब आप समझ रहे हो, मैं एक ट्री की तरह उसको बना रही हूँ जिससे मेरे लिए मैनेजमेंट आसान हो। खुद का डेटाबेस क्रिएट कर रही हूँ, एक पर्सनल जो यूज कौन करेगा, मैं खुद। ओके, एक तरह से मैं अपना पर्सनल सर्च इंजन क्रिएट कर रही हूँ। सो WsCube Tech के अंदर अब मेरा मेनली काम होता है जैसे वीडियोस। ठीक है, वीडियोस हो गया,
तो ये मेरा एक पेज मैं पहले क्रिएट कर लेती हूँ, सॉरी एक एम्प्टी पेज मैंने किया, और इसके अंदर मैं एक और पेज ऐड कर रही हूँ जो होगा वीडियोस, ठीक है, वीडियोस मैं बना रही हूँ अभी। इसको मैं इसमें क्या ऐड करना है, आप जैसे इसमें फॉर एग्जांपल मैं एक चेकलिस्ट डाल सकती हूँ, जैसे इस मंथ में मेरे को ये 10 वीडियोस बनानी है तो उन 10 वीडियोस के टाइटल्स डाल सकती हूँ, टाइटल डाल के चेकलिस्ट बना सकती हूँ, एक टेबल भी मैं क्रिएट कर सकती हूँ, आप चाहो तो ऐड पे बटन पे क्लिक करके और एक टेबल क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। टेबल में आपको जितने भी कॉलम रोज डालनी है वो आप कर सकते हो, ठीक है, और इसको हम इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे किया। मतलब एक तरह से आपको, आप यूं समझिए कि आपको एक एक्सेल वर्ड एक साथ में मिल रहा है, मतलब कंबाइन मिल रहा है, सीरियल नंबर हो गया, वीडियो टाइटल हो गया, और यहाँ पर मैं की नोट्स, मतलब वीडियो में जो मैं नोट्स मतलब पॉइंटर्स जो मैं कवर करने वाली हूँ, ठीक है, ये हो जाएगा। और एक और मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ, दैट वुड बी स्टेटस, ये मैंने बनाया है या नहीं बनाया है, ओके। तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग ठीक कर दीजिए, जैसे मैं इसको कर देती हूँ यहाँ पर, तो जैसे वीडियो वन, जैसे कि मुझे टास्क मिला नोशन इन 5 मिनट्स, ठीक है, ये मेरे वीडियो का टॉपिक हो गया। की नोट्स मैंने इसमें डाल देने हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें मैं ऐड करूंगी, फिर मैं स्टेटस यहाँ पे डाल देती हूँ, ओके। तो ऐसे मुझे कुछ और वीडियो बनानी है तो मैंने यहाँ पे कुछ टाइटल डाल दिया, तो ये वीडियोस का सेक्शन हो गया। वीडियोस के लिए मुझे कोई नोट्स क्रिएट करने हैं, यहाँ पर मैंने कुछ टेक्स्ट डाल दिया, तो नॉर्मली मैं टेक्स्ट भी लिख सकती हूँ कि इतने वीडियो मेरे को क्रिएट करने हैं, जैसे टोटल मेरे को 10 वीडियोस क्रिएट करने हैं, ओके। उसी के साथ में मुझे 15 शॉर्ट्स मुझे बनाने हैं, तो ये मैंने अपना टास्क जो है डाल दिया। अब ये जो मेरी टेबल है आपको यहाँ पर दिख रही है, इसको मैं जैसे जैसे यहाँ पे काम करती जाऊंगी यहाँ पर एडिट होता जाएगा, ओके। तो यहाँ पर ये एक पेज में काम हो गया। उसके अलावा WsCube Tech में वीडियोस के अलावा भी मेरे को जैसे एक और पेज चाहिए जिसमें मैं अपना जो बैचेस से रिलेटेड जो काम है उसको मैं ऐड कर दूंगी, ठीक है। तो ये मैंने एक एम्प्टी पेज क्रिएट कर दिया। अब बैचेस से भी रिलेटेड अगर मान लो मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, कोई नोट्स अपलोड हुए हैं या नहीं हुए हैं लाइव बैचेस में, तो ये सारी चीजें मैं यहाँ पर मैनेज कर सकती हूँ। तो अब देखिए, अब इसको वापस से स्टार्टिंग लेते हैं, ठीक है। लेट्स से कि मैं यहाँ पर आई और मेरी ये जो एप्लीकेशन है ये मेरे फोन में भी आप इजीली iOS में एंड्रॉइड में नोशन सर्च करेंगे तो आपको ऐप मिल जाएगी, सेम अकाउंट से लॉगिन करेंगे तो पूरा डेटा वहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे सपोज कीजिए मैं यहाँ पर आ जाती हूँ, तो जुलाई अब मेरे पास है कि हाँ भी मुझे जुलाई का काम देखना है। अब जैसे जैसे यहाँ पर मंथ्स बढ़ते जाएंगे या प्रोजेक्ट बढ़ते जाएंगे तो मैं उन पेजेस पर भी जा सकती हूँ। तो जुलाई के अंदर अब मुझे किस काम से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो जैसे मुझे WsCube Tech रिलेटेड चाहिए, तो यहाँ पर वीडियोज वाले सेक्शन में अगर मुझे कुछ काम करना है तो वो यहाँ पर आ गया। मैं यहाँ पर देखो पूरा ब्रेड क्रम यहाँ पर रेडी हो गया। बैचेस रिलेटेड मुझे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या कुछ मुझे नोट डाउन करना है, मैनेज करना है, वो यहाँ पे हो गया। अब मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, जैसे मान लो जुलाई 2023 ये मेरा पेज हो गया, इस पेज के अंदर WsCube Tech वाला पेज हो गया और इसके अंदर ये वीडियोस वाला सेक्शन हो गया। तो अब लेट्स से कि ये जो वीडियोस वाला पेज है ये मैं किसी के साथ शेयर करना चाहती हूँ, किसी एक पर्सन के साथ में, जैसे मान लो हमारे जो WsCube Tech के YouTube मैनेजर हैं उनके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि देखो ये मेरा स्टेटस है और ये वीडियोज मैंने बनाए हैं। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे शेयर पे क्लिक करूंगी और जो भी पर्सन है उसका मैं जो ईमेल आईडी है वो मैं यहाँ पर डाल दूंगी। तो यहाँ पर मैंने मेल आईडी डाल दी और यहाँ पर मैं इसको इधर जो है इनवाइट करूंगी, ठीक है। तो इनवाइट जैसे फुल एक्सेस भी दे सकते हो, कैन व्यू, सिर्फ व्यू का ऑप्शन भी दे सकते हो जैसे हम एक्सेल या गूगल शीट में कर सकते हैं, और इधर जो है हमने इन पर्सन को जो इनविटेशन भेज दिया है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो इस पेज के लिए यहाँ पर इस पर्सन को जो है रिक्वेस्ट चली गई है, लेकिन बाकी किसी दूसरे पेजेस के लिए नहीं गई है, ठीक है, आप देख सकते हो। तो कोई पर्टिकुलर पेज बना के इस तरह से हम भेज सकते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या होता है कि हमारे पास एक्सेल भी है, गूगल शीट भी है, हमारे पास एमएस वर्ड भी है, एमएस ऑफिस पूरा हमारे पास है, उसी के साथ में गूगल डॉक्स है हमारे पास, बट ये सारी चीजें कंबाइन अगर आप कर देते हो तो वो आई थिंक नोशन बन जाता है और काफी यूजफुल ये टूल है, एक बार जरूर यूज कीजिएगा। ये कुछ मैंने बेसिक जो फीचर्स हैं वो यहाँ पर आपके साथ शेयर किए हैं, आप चाहो तो इसको और एक्सप्लोर कर सकते हो और सारी चीजें देख सकते हो। उसी के साथ ही कोई पेज आपको डिलीट करना है वो भी आप कर सकते हो, जैसे कि पेज है पर्सनल, आप चाहो तो इसको डिलीट भी कर सकते हो, यहाँ से डिलीट कर सकते हो, डुप्लीकेट कर सकते हो। अब जैसे ट्रैश में चला गया तो ट्रैश में जाकर मैं इसको वापस से रिवाइव भी कर सकती हूँ, रिस्टोर भी कर सकती हूँ। तो काफी अच्छा टूल है और इसी को आप फोन में भी यूज कर सकते हो, टैब में भी यूज कर सकते हो, कहीं भी पूरी दुनिया में यूज कर सकते हो। तो दिस इज अबाउट नोशन, आई होप ये टूल आपको हेल्प करेगा टू बी मोर प्रोडक्टिव फॉर योर वर्क, फॉर योर पर्सनल लाइफ, फॉर योर लर्निंग। और इसी तरह की अगर
वीडियोस आप और चाहते हैं तो सब्सक्राइब टू WsCube Tech चैनल, और किसी टूल का आप क्विक ट्यूटोरियल चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। भले ही हम सारे कमेंट्स का रिप्लाई ना करते हों बट हम सारे कमेंट्स आपके ज़रूर पढ़ते हैं। सो जल्दी से कमेंट्स करो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो। आई विल सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक कीप लर्निंग।